अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो यार आज हम लोग फिर से खेलने वाले अपना फेवरेट गेम नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। और तुम लोग शायद कुछ नोट ही करा हो, देखो जैसे तुम लोग देख रहे हो मोस्ट वांटेड के नीचे लिखा है प्रोजेक्ट HD। तो यार बेसिकली मैंने आज इसकी ग्राफिक के ऊपर कुछ काम करा है, तो तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग कैसी लगी इसकी ग्राफिक्स वगैरह। तो यार हाँ, मैं मानता हूँ कि यार काफ़ी मतलब कि टाइम बदल डाल रहा हूँ बेसिकली मैं, लेकिन यार क्या करूँ, काम वाम भी होते हैं घर के और बाकी यूनिवर्सिटी का भी सीन है, तो फिर इसलिए भाई साहब। तो यार चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को मैं निराश नहीं करूँगा। तो यार आज की वीडियो होने वाली काफ़ी मज़ेदार, और जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा यार मैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर रोनी को हराते था, और मैंने उसकी मतलब के उसका मैंने टॉप एंड मॉडल दिया था फरारी का, और मैंने मतलब कि उससे रेस खेली इस गाड़ी से जो कि तुम्हारे सामने रिगेरा घोस्ट पैकेज, और मैंने मतलब के उसको दिवाली कार दी थी भाई साहब। ये देख लो 812 सुपर फास्ट फरारी की भाई साहब टॉप एंड मॉडल में ये कार आती है, तो देख ही सकते हो कितनी खूबसूरत कार, कितनी प्यारी कार है। तो हाँ भाई साहब, जैसा कि तुम लोगों को कह रहा था यार काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है, तो तुम लोग को मैं निराश नहीं करूँगा। तो बाकी चलो तुम लोग आज की मतलब के अच्छी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आज मतलब के मुझे खबर मिली थी कि भाई साहब ये गैराज के ना काफ़ी प्यारी प्यारी कार्स आई हुई। अब पहले तुम लोग ग्राफिक वगैरह थोड़ा बहुत चेक करो भाई साहब, उसके हिसाब से तुम लोग ग्राफिक में कुछ मतलब के फ़र्क लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे वो बताओ। बाकी हाँ, लास्ट वाली वीडियो के अंदर तुम लोगों को पता ही होगा यार मैंने मतलब के अपनी क्या बोलते हैं नेहा का मतलब के मैसेज आया हुआ था मेरे पास, कि वो बोल रही थी कि भाई मतलब कि भाई बहुत तारीफ़ कर रही थी, वो बोल रही कि मतलब कि तुम्हारे सामने खाली एक मतलब कि तुमने टॉप 3 को भी हरा दिया मतलब ब्लैकलिस्ट को, बस एक बचा फिर तुम्हारे सामने रेजर होगा, तो तुम मुझसे अपनी BMW ले लेना। फिर रेजर का आया मतलब कि जलन के मारे, वो बोल रहा कि भाई साहब तुम मेरी मतलब कि बात सुन अपना मूव ऑन करके, तो ऐसे ऐसे भाई साहब मतलब कि जलता है मुझसे। वो पुलिस की मतलब कि मुझे वार्निंग बहुत वो दे रहा है रेजर के, तो मैं पुलिस से पकड़वा दूंगा या जो भी करवा दूंगा, तो भाई साहब अपन डरते नहीं साफ बात है। बाकी आज की वीडियो छोटी करने के लिए भाई साहब अभी तुम लोगों को मैं रुक के दिखाया था कि मतलब कि देखो मैं तकरीबन सभी कंप्लीट कर लिया, माइलस्टोन भी मैंने कंप्लीट कर दिया और टोटल बाउंड भी तो कंप्लीट ही अपनी। बाकी रेस विंस में मुझे 8 करनी जो कि 5 हुई हुई है, रिक्वायर 8 है, तो अपन 3 रेस खेलेंगे, उसके बाद अपन बुल से जाके मतलब कि बुल को हराएंगे, और फिर मतलब कि हमारे सामने से रेजर ही होगा। तो हाँ आज की मतलब खास बात ये तुम लोगों को बता दो कि मुझे खबर मिली थी कि भाई साहब कि अपना जो गैराज है ना, मतलब गैराज बोलो सॉरी हमेशा उसको गैराज बोलता हूँ, ये जो अपने शोरूम में ना भाई साहब क्या कमाली कार्स आई है, तुम लोगों को दिखा दो। ये हम लोग पहुँच गए अपने शोरूम, और तुम लोग को मैं कार्स वगैरह का दीदार कराता हूँ कौन कौन सी कार्स आई हुई है हमारे शोरूम के अंदर। और भाई साहब ये तो अपने सामने टेस्ला है, और ये देख रहे हो तुम लोग, ओए होए भाई साहब फास्ट एंड फ्यूरियस की कार्स आई हैं। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, फास्ट एंड फ्यूरियस की कार्स हमारे मतलब के शोरूम के अंदर आई है। तो पहली कार ये वाली अपनी पॉल वॉकर की ब्रायन ओ'कॉनर, जिसको ब्रायन ओ'कॉनर भी लोग जानते हैं, और ये पहली मतलब कि फास्ट एंड फ्यूरियस की मतलब कि पहली मूवी के अंदर कार इंट्रोड्यूस कराई थी, काफ़ी अच्छी कार है वैसे। और इसके अलावा भाई साहब ये तो खैर पुरानी अपनी स्काईलाइन, बाकी ये देखो ये वाली कार भी आई भाई साहब, ये फास्ट एंड फ्यूरियस 4 के अंदर आई वाली कार, और काफ़ी मतलब कि तगड़ी कार है, मतलब SUV के अंदर ही बड़ी तगड़ी कार कहलाती है एक तरह से, मान लो ये कार और SUV दोनों है, क्योंकि ना हम इसको कंप्लीट कार कह सकते ना इसको कंप्लीट SUV कह सकते, तो बाकी ये 2-in-1 है। बाकी तुम लोगों को मैं आगे मतलब कोई दिखा दूँ कि क्या क्या आई हुई, ये देखो ये 2 Fast 2 Furious वाली मूवी से मतलब कि उठाई गई वाली कार। तो भाई साहब मैं आज बहुत मतलब कि खुश हूँ कि कार्स काफ़ी प्यारी आई हुई यार, मतलब कि देखो तुम लोग कितनी खूबसूरत कार है। अब मतलब कोई भी जो लड़की वड़की खेलती इस गेम को, तो उसके लिए वैसे भी कार काफ़ी अच्छी है। बाकी तो खैर मैं फ़िलहाल ले नहीं रहा, बाकी तुम लोग को और कार दिखाता हूँ, यानी मस्टैंग आ गई। और ये भाई साहब ये तुम लोग को देखा होगा कि तुम लोग टोक्यो ड्रिफ्ट जो निकाल रहे हैं लोगों ने अलग से मतलब कि मूवी, इसके ना पॉल वगैरह था ना कोई और था, सिर्फ भाई साहब एक मतलब के अमेरिकन लड़के के ऊपर मतलब बनाई थी। तो ये DK की गाड़ी भाई साहब, मतलब कि जो उस फिल्म के अंदर DK था ना शुरू के अंदर ड्रिफ्ट किंग, मतलब के DK का मतलब, उसके बाद ये वाली कार थी जो कि बहुत पावरफुल कार है और बहुत मतलब कि ड्रिफ्ट में बहुत माहिर कार है। तो ये कार ही भाई साहब अपने शोरूम में आई हुई है, और यार मुझे मतलब कीमत देके बहुत हंसी आ रही है, मतलब कितनी कम कीमत में लिटर रही यार, लेकिन चलो अच्छी बात है यार अपना पैसे तो खैर बहुत सारे हैं। और ये देखो यार ये 2 Fast 2 Furious की मतलब कि ये ब्रायन की आते वाली कार, बड़ी ज़बरदस्त कार है भाई साहब ये। यूँ तो मतलब कि इतनी कोई महंगी कार नहीं, लेकिन भाई साहब इसकी इस गाड़ी की याद है बहुत जुड़ी हुई, ये काफ़ी पावरफुल कार आई है हमारे सामने। और इसके अलावा भाई साहब ये आई है मतलब एक और मतलब कि 350Z आई है, ये भी 350Z थी लेकिन ड्रिफ्ट किंग की थी, ये इसके जो चमचा जो चला रहा था ना ये उसकी कार है, बाकी इसका नाम मुझे सही से मालूम नहीं है, मोरी मोटो ऊपर लिखा हुआ तो शायद यही नाम होगा उसका। तो चलो खैर इसके अलावा भाई साहब अपने पास आई हुई है, ओए हो ये तो तुम लोगों को यार सबको याद होगी यार ये वाली कार,
ये भी मतलब कि फास्ट एंड फ्यूरियस की पहली फिल्म का नाम है, अपने डोमिनिक टोरेटो ने मतलब क्या कार ली थी, तो देख ही सकते हो कितनी खूबसूरत कार, कितनी प्यारी कार है। तो चलो तुम लोगों को मैं काम करता हूँ कि भाई साहब ये सारी कार मतलब के मैं डिलीवर करा के मॉडिफाई करा के फिर तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो गाइस जैसा कि तुम लोग देख रहे हो मेरे सामने एक मतलब के इक्लिप्स वाली कार है, ये वाली जो अपनी फास्ट फ्यूरियस वन के अंदर थी। तो यार मैंने मतलब के तीनों कार्स, मैंने तीन कार्स ली है बेसिकली, और मैंने मैकलारेन को बेच दिया क्योंकि यार गैराज में जगह नहीं होती। तो अभी तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैंने इस कार को भी फुली अपग्रेड कर दिया है और इस कार को भी अपग्रेड कर दिया फुल, जो कि अपनी फर्स्ट फ्यूरियस 3 के अंदर आई थी। और ये अपनी मतलब कि पहली कार, मतलब कि अपनी नहीं मतलब कि डोमिनिक की पहली कार जो उसने मुझे मतलब कि परफॉर्म करके दिखाई थी हम सबको। तो ये वाली कार मैंने ली है, तीन कार्स ली हैं। बाकी मैंने यार कुछ मतलब कि पुरानी कार्स बेच दी हैं, अभी मेरे पास फिलहाल नई कार्स पड़ी हुई सारी। तो यार आओ चलो मतलब कि देखते हैं इस कार की पावर। बाकी ये भी हमें मतलब कि पिछले वाली वीडियो के अंदर हमें मतलब कि गिफ्ट, मतलब कि तुम लोगों को पता ही होगा मैंने रोनी को हराया था और उसकी गाड़ी मुझे मिल गई, तो ये मुझे मिली थी याली कार। आओ चलो याली कार को टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसकी पावर कैसी है। और हाँ यार मैंने मतलब के क्या बोलते हैं यार, वैसे तो यूँ तो मतलब के गैराज के अंदर काफ़ी मतलब कि अपना कार अच्छी आ गई, लेकिन यार मैं चाह रहा था कि शोरूम के ना थोड़ी बहुत मतलब के अपनी क्या बोलते हैं सुपड़ा और स्काईलाइन भी आ जाती, यार मज़ा आता कसम से यार। लेकिन वो मतलब कि अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दोनों ही कार्स मंगवाई हैं। अब देखते हैं यार पहले कौन सी कार आती है, अगर स्काईलाइन आएगी तो बहुत मज़ेदार बात हो जाएगी, मतलब मज़ा आएगा। और अगर टोयोटा सुपरा आ गई तो भी तो मतलब ठीक है, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी कार है। बाकी चलो और रेस करते हैं। और तुम लोग यकीन नहीं करोगे, जैसी शोरूम का ना यार कार्स आई है ना फास्ट एंड फ्यूरियस वालों की, मतलब कसम से तेल का मच गया, हर कोई मतलब कोई कार खरीद रहा है। आओ चलो मतलब के रेस खेलने चलते हैं। और टेस्ला भी हमसे लड़ने के लिए आई है और मैकलारन भी आएगी, बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि टेस्ला ही। अभी तो फिलहाल हम बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये गाड़ी के ना काफ़ी दम है वैसे, जो बात है गाड़ी भले पुरानी हो लेकिन गाड़ी में दम है। जैसा कि तुम देख ही रहोगे यार मैकलारेन सबसे आगे, वो भी चली थी सबसे आगे, सबसे मैकलारेन चली क्योंकि इसकी पीछे से लुक थोड़ी बहुत मैकलारेन जैसी मुझे लगी थी उसे। चलो खैर कोई नहीं, अभी तो ये स्प्रिंट वाली रेस है, मुझे इसके अंदर जीतने पड़े किसी भी हाल के अंदर। ओए हो देख रहे हो तुम लोग। बाकी हाँ तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग ग्राफिक कैसे लगी, क्योंकि ग्राफिक काफ़ी चेंज करी है। आई होप कि तुम लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने मतलब कि काफ़ी हद तक चेंज कर दी, मतलब और बेहतर कर दी, इससे पहले ही बेहतर थी लेकिन और ज़्यादा बेहतर कर दी। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो कि बहुत जल्दी जल्दी लैप पास हो रहा है, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है। और यही मतलब कि ब्रायन अली कार 300 तक पहुँच चुकी है भाई साहब। ओए भाई साहब ये अपन जी आगे आ गए, सबसे आगे यार, बड़ी मज़ेदार गाड़ी है ये वाकई में, तुम लोग ज़रूर चलाना। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं इस गाड़ी का मतलब कि जो मैंने मोड डाला ना उसका लिंक दे दूंगा। बाकी मैं कर आगे भाग नहीं कर रही भाई साहब, तो मुझे इसको आगे निकलने इतना देना नहीं, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल कार है, वो हाइपर कार है वो मैकलर, और अपने पास उस हिसाब से कोई मतलब कि हल्की कार है। अरे बाप रे यार, ट्रैफिक वाले तो यार बड़ा तंग करते कसम से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये भाई टाइम वाली पावर थोड़ी बहुत लगानी पड़ी हल्की फुल्की, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाता तो मेरी गाड़ी बहुत बुरी तरीके से भिड़ती। बाकी चलो कोई बात नहीं, मैं अभी आ गई हूँ, बस मुझे नाइट्रो थोड़ा सा बचा कर रखना पड़ेगा अपने लिए, ताकि आगे आके काम आ जाए। ओ भाई साहब हमारे साथ पुलिस लग गई, जैसा कि तुम लोगों ने बता ही रहा था कि इसके ना पुलिस लगने के चांसेस हैं। अरे यार चल यार, ऐसा बड़ा गंदा सीन हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। असल में यार थोड़ी बहुत मेरी गाड़ी टूट गई थी एक जगह पर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी बाजी अपने हाथ में ही है।
बस ये मैकलारन वाला मेरा आगे चल रहा है, इसको पीछे कर दो ना तो आसानी हो जाएगी थोड़ी। चल बेटा पीछे जा। चलो थैंक इस गाड़ी ने भाई थोड़ा पुश कर दिया तो स्पीड थोड़ी मेंटेन हो गई। बाकी तो लोग देख रहे होंगे भाई साहब के ये रेस होने वाली अपनी खत्म। और मैं काफी पीछे रह के भी दोबारा मतलब के समझ लो आगे आ चुका हूँ, बस ये आखिरी के लम्हात बचे हैं। अबे यार देखो तुम लोग सीन, देखो तुम लोग क्या सीन हो रहा है। कहीं वो आ गया, कहीं मैं आ गया। ओए होए भाई साहब क्या जबरदस्त गाड़ी की मतलब तस्वीर आई। और ओए होए ये ब्रायन को बिठाए हुए क्या गाड़ी के अंदर। ओहो चलो खैर मुझे पुलिस हटानी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि पुलिस अपने लग गई है। मुझे फिलहाल पुलिस की जरूरत ही नहीं क्योंकि तुम लोग देख ही सकते हो ऊपर मारे कितने सारे। ये मैंने मतलब पुलिस को थोड़ा फंसाया अपने जाल के अंदर। वैसे गाड़ी है भारी है, मैं इसको संभाल था हल्की गाड़ी है लेकिन भारी है। एक 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 और मतलब कि ये है तो ये मैं फोड़ दूँ थोड़ा। भाई साहब ये थोड़ा बहुत है इसका सीन पार्ट, ये थोड़ा बहुत मैं कर दूँ। चलो भाई साहब देख रहे हो तुम लोग ये थोड़ा बहुत ट्रिक्स वगैरह होती तो ये थोड़ी आजमा लिया करो आसानी होती। हाँ पुलिस अपनी देखना छुटकियों में डाऊंगा। घर में घुस जा जल्दी। ये देखो घर में घुस के भाई साहब पुलिस डायरेक्ट हटा सकते हो। तो बाकी अब ये वाली गाड़ी मतलब मैंने अच्छे तरीके से टेस्ट कर ली है तो तुम लोग देख ही सकते हो कितनी पावरफुल कार रही है। बाकी भाई साहब अब बारी करते हैं इसकी टोक्यो ड्रिफ्ट वाली कार की। अब देखते हैं कितनी पानी के अंदर है। वैसे अपनी इसकी इक्लिप्स वाली कार ने तो हमें निराश नहीं किया बिल्कुल भी। तब चलते हैं ये वाली कार देखते हैं। ओए हो अच्छा यहीं से आएगा। इसके अंदर भी कोई बंदा ऊपर बंदा अंदर बिठाया हुआ है। मैं गॉड्स देखता हूँ कौन सा बंदा बिठाया हुआ इसके अंदर। यार इसका ना वही बंदा बिठाया हुआ है जो मतलब कि चाइनीज था ना जो डी के था उसी को बिठाया हुआ। और हाथ जिसको पता नहीं भाई साहब ये काफ़ी खतरनाक है कि ड्रिफ्ट के अंदर ये वाली कार बड़ी ज़बरदस्त कार है। मैं तुम लोग को हल्की फुल्की ड्रिफ्ट भी करके दिखा दूँ। यार रोड वैसे नहीं आ रहा तुम लोगों को मैं ड्रिफ्ट करके दिखा। चलो खैर कोई नहीं यार ड्रिफ्ट में मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट होगा तो अपन डायरेक्ट चलते हैं रेस की तरफ क्योंकि फिर बुल को भी हराना है। तो अभी एक काम ही करते हैं कि हाँ यही करते हैं भाई साहब क्योंकि इसके बाद ये आखिरी वाले जो है ना ये डोमिनिक के लिए छोड़ देंगे अपन मतलब कि डोमिनिक वाली कार के लिए RX-7 के लिए। आओ उसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं हाथ के हाथ कि कैसी मतलब लुक तो काफ़ी प्यारे हैं भाई साहब इस गाड़ी काफ़ी प्यारे लुक है। तो BMW भी हम खेलने के लिए और जो इसकी एक्सलरेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये बेहतर की टक्कर दे दी इसके तकरीबन। बाकी यार अपन सेकेंड आया मतलब कि पहले अपन ने जो कैमरा लगा जो कराया सेकेंड आगे उसके ऊपर अपन यार स्पीड देखो तुम लोग इसकी और इसका एग्जॉस्ट जो लगा हुआ ना बड़ा प्यारा लगा हुआ। इस गाड़ी की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होगी दोस्तों क्योंकि एक है ड्रिफ्ट कार तो ये ड्रिफ्ट के हिसाब से बनेगी। ओए ओए 342 खींच गए भाई साहब ये गाड़ी अच्छा 355 तक भी जा रही है। वाओ भाई साहब तुम लोगों ने देखा क्या सीन हो गया। क्या करार ना आगे आ रही थी बड़ी मतलब तेजी में आ रही आगे लेकिन वो घुस रही थी तो भाई साहब उसकी टक्कर हो गई ट्रक से। अब मैं अगर उसको नहीं ऐसे फंसाता तो फिर मैं टकराया था। बाकी चलो कोई बात नहीं अभी तो अभी अपन आ गई है।
है, स्पीड खराब कर दिया इस गाड़ी ने मेरी। नॉस लगाना पड़ेगा टायर वाला। ये तो बाहर से आपकी माइंड में जबरदस्त स्पीड दे दी इस गाड़ी की, मतलब के ग्रिप बड़ी बहुत बुरी गिरी थी इसकी, जैसे कि मैंने कहा कि ड्रिफ्ट कार है। बस तो मतलब के कुछ मतलब कैमरे वगैरह रह गए, फिर अपना ये हो जाएगा टास्क कंप्लीट। फिर अपन लास्ट अपनी भाई साहब डोमिनिक टोरंटो वाली कार भी मतलब के चलाएंगे और चेक करेंगे कैसी गाड़ी हो। ओए होए, अबे एक बंदा आगे निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला कौन बंदा निकला। ज़रा चेक तो करूँ, मेरा आ रहा लैम्बोर्गिनी वाला बंदा, क्योंकि वो गाड़ी मैं चलाई भाई साहब, काफ़ी प्यारी गाड़ी, काफ़ी तेज़ गाड़ी है। इसको मुझे हराना है भाई साहब, हरा अगर ये आगे निकल गया ना तो मैं हार जाऊँगा। ओए होए भाई साहब, से थोड़ा सा मैं रह गया था, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देख रहे हो तुम लोग, मेरी स्पीड ज़्यादा थी इसलिए मैं जीत गया, ना तो मैं हार गया था। लेकिन चलो इस गाड़ी में निराश नहीं करा। ओए होए देख रहे हो नीचे से एकदम खाली सी लग रही है गाड़ी। बाकी मेरे पीछे भाई साहब लगी पुलिस, तो मैं एक काम ही करूँगा कि इनको थोड़ा बहुत मैं तोड़ता मोड़ता जाऊँगा। तो देख रहे हो आगे पुलिस से मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मैं पीछे जाऊँगा। वो पीछे ही पुलिस है, वाह मेरा बंदा कहीं नहीं जा सकता। ठीक है अब यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे आओ पे यार। चलो फिर कोई बात नहीं, मैं इसको दो मिनट में डालूंगा पुलिस को, देखा कैसे मैंने मारा। बाकी एक गाड़ी पीछे रह गई, वो आ रही है करीब। अरे भाई साहब इसको पीछे छुड़ाने का इसका एक ही हल है कि मैं थोड़े पहाड़ी से गाड़ी को दबा दूँ। पर पीछे पीछे आ रही क्या भाई साहब, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि पीछे आएगी। सब देख रहे हो तुम लोग भाई की जंप्स देख रहे हो, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है बताओ, ज़रा कमेंट करना बताओ। तो इसी के साथ भाई साहब मैंने पुलिस को हटा दिया है और अपन चलते हैं अपनी लास्ट कार को चेक करने के लिए। इसका नाम RX-7 है और उसका जलवा देखते हैं, फिर अपन जाके बल्ला बुल से पंगा लेंगे और उसको हराएंगे और उसकी गाड़ी भी लेने की कोशिश करेंगे। तो आओ चलो ये अपनी डोमिनिक टोरंटो वाली कार आ गई, जो कि काफ़ी पावरफुल कार है और मारे से भी खुल रहा हूँ मैं, सब कंप्लीट है। बस देख सकते हो तुम लोग खाली आखिरी रेस रह गई, फिर मतलब कि स्टार आ जाएगा और फिर बस अपन लोग पुलिस से रेस करने के लिए चलेंगे। और ये कैमरा रेस कर लेता हूँ मैं, इसका ना पुलिस नहीं है। तो आओ चलो चेक करते हैं इसकी भी स्पीड, चेक करेंगे हम लोग कैसी स्पीड है इसकी। चलो गाइस आओ चेकआउट करते हैं अपने अपन से लड़ने के लिए। टोयोटा सुप्रा भी आई हुई और फोर्ड भी आई हुई और ऑडी भी आई हुई, उसमें काफी दो खतर जाओ। बाकी तो खैर ऑडी एसी नॉर्मल है बाकी, लेकिन हाँ चलो इसकी स्पीड भी चेकआउट करें, टॉप स्पीड से कितनी पहुंच रही है और हैंडलिंग वगैरह भी चेक करते हैं। फिर अपन से मतलब के अपनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी कंप्लीट, फिर अपन बुल से रेस करने के लिए जाएंगे। और अभी तो मैंने टोयोटा सुप्रा को पीछे कर दिया है, ऑडी को पीछे कर दिया, बस अब पारी फोर्ड की। यहाँ पे कैमरा में यहाँ पे थोड़ी स्पीड अच्छी देनी पड़ेगी भाई साहब। तो अपन लोग भाई साहब अभी तो आ गए हैं, स्पीड काफ़ी अच्छी आई है, 220 की स्पीड आई है। बाकी कोई बात नहीं, इस गाड़ी को मैं पीछे करूँगा तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा। काफ़ी अच्छी चला भाई साहब वो फोर्ड, 307 की स्पीड मारी आपके भाई ने। और अभी मतलब कि अपन की लीड मतलब कि बन गई एक अच्छी, मतलब कि बेहतर बन गई। और इसको ही भाई साहब मैं पीछे करने वाला हूँ, और मतलब कि भाई साहब मेरे मतलब के प्रिडिक्शन से ज़्यादा स्पीड, मतलब कि गाड़ी स्पीड से गाड़ी की ज़्यादा अच्छी स्पीड है और हैंडलिंग भी अच्छी है। पे यहाँ थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर हो गई ना, तो स्पीड में 800 तक खेल जाता, 800 तक टोटल हो गई अपनी स्पीड।
चलो कोई बात नहीं, अब जो कैमरा आने वाला है वो थोड़ा बहुत देखा तो खुले रोड पर है, तो वो अपन थोड़े अच्छे मतलब स्पीड मार लेंगे उसको। नहीं यार ऐसी चीज़ होंगी यार कैसे स्पीड मार लेंगे तो पता, बाकी चलो कोई नहीं अभी भी स्पीड अच्छी पहुँची है उसको। चलो भाई साहब तकरीबन 300 की स्पीड मार दी लेकिन 50 में आ गई हूँ, लेकिन यार मुझे किसी तरीके से उसको पीछे करना है कि बाज़ार सीन पार्ट होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा पीछे रह जाते ना भाई साहब तो गेम वाले ज़्यादा तरजीह आगे अलग होते हैं, भले उसकी स्पीड मतलब कि हमसे थोड़ी कम हो, लेकिन अभी आपके भाई ने लीड बड़ी अच्छी दे दी है। ओ अबे यार तो बड़ी ज़बरदस्त स्पीड हो गई थी यार, लेकिन टक्कर हो गई। तो यार तकरीबन जैसा कि तुम लोग देख रहे हो यार ये मतलब कि रेस कम्प्लीट होने वाले तकरीबन 75% तो हो ही गया, बस 25% बचा है। थोड़ी अच्छी स्पीड आ गई ऐसे तो अपने ज़्यादा चांसेस से जीत लेकर फिर भी मैं इसको थोड़ा पीछे करूँगा तो थोड़ा मतलब कि अच्छी आसानी रहेगी, बाकी स्पीड अपनी काफ़ी ऊपर चली गई है और मुझे लग रहा है कि मैं इसको पीछे कर दूँगा आराम से। क्या हो रही मतलब कोई नहीं जल्दी भाग। ओए होए भाई साहब मैं अगर मतलब कैमरा वाला तस्वीर नहीं खींचती ना मैं उसको बंदे को बहुत बुरी तरीके से उड़ाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओए होए ये देख रहे हो तुम लोग रॉक का मैसेज आया कि वो भाई टोरू सट्टू जो उसका नाम है ना जगजीत जो उसका नाम है मैं क्लार ने भाई लॉन्डे के पास। ओए होए मज़ा आएगा यानी कि चलो आओ। ओए होए यार तुम लोगों ने देखा कैसे मैंने फोर्ड गाड़ी को पूरा पलट दिया। चलो खैर कोई नहीं अब मेरी गाड़ी भी घूमते घूमते बच गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं अब इसको जम्पू सेव हाउस करते हैं और मैं चेकआउट करके आता हूँ भाई साहब के मतलब कि मेरी गाड़ी डिलीवर हुई है नहीं हुई, तो देखते हैं यार कौन सी कार आए। वैसे मैं चाहता हूँ कि स्काईलाइन आए तो यार अच्छी बात हो जाएगी मज़ा आ जाएगा, बाकी टेंशन वाली बात नहीं है इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा क्योंकि सीन पार्ट ये होगा कि वो फुल मैंने मॉडिफाई वाली मंगवाई हुई तो मुझे इसमें टाइम ही लगेगा मॉडिफाई करने में, मुझे बस जाके रेस खेलनी है। तो ठीक है दोस्तों बस मैं अभी आया। हाँ तो गाइस आखिरकार टाइम हुआ ख़त्म, हमारी स्पेशल डिलीवरी आ गई है और तुम लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि यार मुझे स्काईलाइन मतलब कि मेरी स्काईलाइन पहले मतलब डिलीवर हो गई। तो आओ चलो स्काईलाइन लेते हैं और उस बुल के बच्चे को हराते हैं अपन। ये अपनी देखो स्पेशल मतलब कि स्काईलाइन आई है R34 जो कि पॉल वॉकर की फेवरेट कार है, तो आज हम लोग इसी से भाई साहब खेलने वाले हैं और बुल की भी तुम लोग को मतलब के तुम लोग के लिए सरप्राइज है, बुल की भी बहुत ज़बरदस्त कार है। तो आओ मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ चलते हैं बुल से रेस करने के लिए। तो लेट्स गो गाइस। देखो ये देखो बुक्स देखो इसका एग्जॉस्ट कितना प्यारा है, इसकी आवाज़ तुम लोग देखो कितनी प्यारी है। मुझे कोशिश करने के पुलिस के झमेले में अभी फ़िलहाल मुझे आना नहीं है, मैं तो अपना टाइम वेस्ट और होगा और बाकी सीन पार्ट ये है कि थोड़ा मैं यहाँ से गाड़ी चलाऊँ स्लो चलाऊँ थोड़ी, बाकी गाड़ी भाई सब ये बड़ी भागने में आ रही है, गाड़ी की एक्सीलरेशन भाई साहब काफ़ी अच्छी है, अब तक मैं जो जो गाड़ी चलाया ना भाई साहब इसकी मतलब कि मुझे बड़े प्यारा मतलब कि इसका मोड लगा। बाकी अभी अपन लोग तकरीबन पहुँचने वाले स्टार की तरफ, तो बुल भाई सबको बता दें अब तो पुलिस वैसे भी लग के क्या करेगी, अब तो वैसे ही पहुँच गए। चलो भाई साहब जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि दो स्प्रिंट वाली रेस और एक सर्किट वाली रेस, और इस बुल भाइयों को बता दें कि आज बुलाएंगे भाई साहब आ रहे हैं तभी आएंगे जब इधर डेंजर गाड़ी आएंगी समझा। चलो इसको ये बारिश का मौसम हो रहा है भाई साहब, बारिश हो रही है, मौसम खतरनाक हो रहा है, जब भी प्यारी स्काईलाइन आ गई हो रहा तुम्हारा साथी क्या और ये तो तुम लोग देखना बुल की कब से कार है वीडियोस में। ओए हो देख रहे हो तुम लोग ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मैकलारेन है जो कि मैकलारेन T1 जो कि मेरे ख्याल से मैकलारेन के फैंस होंगे वो मतलब कि इस गाड़ी को जानते होंगे भाई साहब। आज की रेस होने वाली काफ़ी तगड़ी और काफ़ी खतरनाक काफ़ी मुश्किल भी होने वाली भाई साहब आज की रेस, तो फिलहाल भाई साहब ये मुझे टक्कर मार के आगे निकल चुका है और मेरी गाड़ी स्लाइड ही करी क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी इस वजह से।
कोई बात नहीं भाई साहब, ये मतलब के सर्किट वाले जैसे पहली उसके ना होते 3 लैप, तो मुझे आगे आना है किसी तरीके से कोशिश करके। बाकी अभी तो आपका भाई पीछे चल रहा है, बाकी थोड़ी बहुत ये ड्रिफ्ट कार है ना, ये मतलब जो मैंने मंगवाई ना मॉडिफाई कार जो, ये ड्रिफ्ट के लिए बेहतरीन कार है यार। अब इसकी ग्रीटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, बाकी कोई बात नहीं, हम लोग वो फंस गए मेरे ख्याल से कहीं पर, तो हम लोग उसका फायदा उठा के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम खुद इतना फिसल रहे हैं तो हम क्या कर सकते। बाकी ये आ गया, ये मैंने इसको पीछे कर लिया, ये मैं सब चीज़ें तोड़ देता हूँ ताकि जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ तो ये सब चीज़ें मुझे मिले। ओए ओए भाई साहब कितना मैं करीब चल रहा हूँ, देख रहे हो तुम लोग कितना करीब आ रहे हैं यार। आखिरकार वो सबसे फास्टेस्ट निकल आ रहा है, तो तुम लोग कुछ सोचो यार कि वो आराम से मुझे हरा सकता का चाह रहे थे, क्योंकि मेरी गाड़ी उसके सामने साधारण है, लेकिन ये कोई बात नहीं, ये कॉल होगी कि फेवरेट कार है, मैं हराएगी नहीं इंशाल्लाह, अभी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताना तुम लोग को एक कार कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। और वो बेचारा पीछे से तुरंत तक चक्कर खा के घूम गया है यार। मैं एक काम करता हूँ, परफॉर्म ट्यूनिंग थोड़ी सही करता हूँ, ठीक है। अब एक काम ही करते हैं कि ज़्यादा मतलब कि मुड़ नहीं गिरना, ये तो इसकी या परफॉर्म ट्यूनिंग तो इसकी खैर बेहतर ही है, तो फिर क्या करना चाहिए। हाँ नाइट्रोस भी छोड़ो, ये तो खैर पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा इसका चक्करबाजी, इसको भी फिलहाल रहने देते हैं अपन। हैंडलिंग स्टेयरिंग थोड़ा बहुत सही कर देता हूँ, चलो मैं वो भी टक्कर खा जाएगा, चलो खैर कोई नहीं, ये शॉर्टकट है उसका, कोई ना शॉर्टकट आ रहे मार लेते हैं। और भाई साहब वो भी मुझसे काफ़ी आगे चल रहा है, और वो पैरल है पार भी तकरीबन कर चुका है, अब मैंने जाके पार करा है, लेकिन अब फिर से हम लोग आगे आ रहे हैं। गाड़ी को संभालना भाई साहब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वाकई तुम लोगों में सीरियस बताऊँ तो गाड़ी भाग बहुत तेज़ थी और फिसल नहीं गाड़ी, ये तो तोड़ा था मैंने, दोबारा से आ गया, ऐसा कैसे होता, गलत बात है। मैं बस तकरीबन भाई साहब इसके बहुत करीब ही हूँ, मैं इसके तकरीब पहुँचने वाला हूँ, बस वो लीड बना के रखना है मुझे, ठीक है। जैसा कि थोड़ा देख रहे हो कि भाई साहब गाड़ी मेरी बहुत स्लाइड मारी है, तो इसके में थोड़ी मुश्किल हो रही है मेरी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपन आखिरी में इसको हरा देंगे, ये भले वो हमसे आगे चल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक और लैप बाकी भाई साहब, अभी मतलब 3 लैप होगा ये, तो जबकि इसकी हैंडलिंग फुल हुई भी भाई साहब, फिर भी इसकी मतलब कि हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, आई थिंक ये ड्रिफ्ट कार है इस वजह से ऐसा हो, जैसे वो अपन को निशान मिली थी एक और 350Z DK की गाड़ी, वो भी मतलब कि ड्रिफ्ट किंग वाली कार थी, मतलब ड्रिफ्ट वाली कार थी, इसकी ऐसे वो बहुत फिसल गई थी। तकरीबन कितना आगे निकल गया, जैसा कि तुम लोग देख रहे होगे भाई साहब, ये बहुत खतरनाक मुकाबला हो रहा है उसका और मेरे बीच, क्योंकि ना कि वो हार मान रहा ना कि मैं हार मान रहा, मुझे बार बार टाइम वाली पावर लगानी पड़ी, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो भाई साहब नहीं बंदा के टक्कर खा के घूम सकता हूँ। बाकी बाकी मैं बच्चा भाई साहब तो मजाक कम करते हैं, थोड़ा बहुत फोकस करते हैं ड्राइविंग के ऊपर, बाकी करीब है शायद वो थोड़ा, हाँ करीब है, बस मुझे नाइट्रो थोड़ा सा बचा कर रखना, क्योंकि बाद जब ऐसा होता है कि स्पीड टूट जाती है, इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है मुझे स्पीड कवर करने में, तो नाइट्रो थोड़ा बचा के रखेंगे, वो तो जो कश्ती गिराने के चक्कर में था भाई साहब वो, लेकिन उसने गिरा ही नहीं।
टाइम वाली पावर लगाने का ही फायदा, मैं हर चीज़ से बच सकता हूँ। उसने अपनी स्पीड काफ़ी हल्की कर दी, जो कि भाई साहब उसकी गाड़ी वैसे काफ़ी पावरफुल है, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती उसकी गाड़ी, तो बस मुझे इसको किसी भी तरीके से आगे नहीं आने देना। तो बाकी तुम लोगों ने देखा कि भाई साहब वो पीछे मतलब कि कभी क्यों कैसे टक्कर खा के घूम गया है। तो बाकी मुझे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं डायरेक्ट घूम जाऊँगा अपना, और ये ऑलमोस्ट मतलब कि मेरे जीतने वालों लगे गाड़ी क्यों दिमाग हो रही, तो मुझे डर लग रहा है गाड़ी पसंद लग रहा है। ये देखो भाई साहब ऐसा सीन पार्ट होता तो यार इसने मतलब कि मैं पहले से बोलता था। तो बाकी ये बड़ी मतलब बहुत प्यारी तस्वीर है, बहुत मतलब कि क्लासिक तस्वीर आई, तो मुझे इसी बात का मतलब डर लग रहा था कि यार के मतलब कि बारिश कैसे गाड़ी टकरा नहीं रहा है, वो तो टकरा गई लेकिन अपना लग अच्छा था कि वो काफ़ी पीछे थी। तो यार हमने पहले रेस तो हरा दिया, बारी है दो रेसेस की जो कि स्प्रिंट वाली रेसेस, और जैसा कि तुम लोग देख ही रहोगे भाई साहब काफ़ी मुश्किल है मुझे इसको हराने के लिए, उसकी बहुत पावरफुल कार है। और मैं मतलब बैट लगा सकते उसकी मैकलान थी कहते कि भाई साहब जो हमने लास्ट बार जो मैकलान चलाई थी ना उससे बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि जाहिर से वो एक आम मैकलान थी, जैसे वो भी अच्छी गाड़ी थी लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल गाड़ी। बाकी तुम लोग मुझे ये बताओ कि जो मैंने ग्राफिक चेंज करी इसके से तुम लोग कैसा लग रहा है, और बारिश वगैरह तुम लोगों को बिल्कुल रियल लग रही होगी, रोड भी बिल्कुल भाई साहब बाकी पे रेल लग रहे हैं, मतलब कि बहुत प्यारी ग्राफिक आ रही है। चलो खैर बात थोड़ी मैं कम करता हूँ क्योंकि भाई साहब ये है एक ही लेवल, मतलब इसमें दो लेवल नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत चांस ही लूँगा। अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, थोड़ा सीधे रास्ते हैं तो मुझे स्पीड पकड़ी, ये अपनी प्यारी सी जम हो गई और एक और जम आने वाली सामने, थोड़ी गलत जब लगी है लेकिन चलो कोई नहीं, टाइम वाली पावर हमारा बची हुई थी तो हमारी बचत हो गई ना, तो हमारी गाड़ी पलट गई। और तुम लोग देख ही रहोगे भाई साहब बातें करते करते तकरीबन 30% तक कंप्लीट होने वाला और वो मुझसे आगे निकल चुका है भाई साहब काफ़ी। ये कोई बात नहीं, हम उसको जीतने देंगे, टेंशन ले लो, बस उसकी एक टक्कर हो जाए या वो स्पीड स्लो कर ले तो मैं उसको आराम से पीछे कर दूँगा। ये सारी चीज़ें घूम के वहीं पे क्यों आ रही है, देखो अपन ने पिछले लेवल में भी ऐसी करा था, अपन यहीं पे आ गए। बाकी मैं इस गोल चक्कर के फ़ायदा उठा के मैं आगे से आगे आ गया। ये देखो ये ट्रैफिक वाले यार कसम से बहुत बुरे लगते हैं मुझे, और वो भी टक्कर खा के भाई साहब पीछे कहीं उधर रुक गया है, लेकिन मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा के आगे निकल लूँगा दोबारा, मुझे बस इसको थोड़ी बहुत लीड बना के रखनी पड़ेगी भाई साहब, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो कितनी स्पीड में वो आ रहा है, और ये थोड़ा बहुत रोड ऐसे कि यहाँ पर स्पीड टूटती है। बाकी तो अभी मैं आ गई ही हूँ लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी लेवल बचा है काफ़ी हद तक बचा हुआ है, मतलब 30% कहने का तो 30% मतलब के बचा है, लेकिन मेरे कितनी स्लैंड मारी इतनी गाड़ी और ड्रिफ्ट बड़ी प्यारी लगती भाई साहब इस गाड़ी को, जैसा कि तुम लोगों ने अभी देखा। तो मुझे लग रहा है वही लेवल है लेकिन उल्टा है ये लेवल, क्योंकि तकरीबन वही लेवल है सेम, सेम ही भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह आ गई हम लोग आए थे वहाँ से। तो भाई साहब अब इसी के साथ रेस ख़त्म होने वाली है, देखो ओए हो तुम लोग ड्रिफ्ट चेक करो यार, इस ड्रिफ्ट के ऊपर एक लैग तो बनता ही बनता है, वैसे मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी ड्रिफ्ट लग जाएगी लेकिन लग गई। और अपनी रेस भी भाई साहब ख़त्म होने वाली है, और वो भाई साहब बड़ी स्पीड में आ रहा है, वो इतनी स्पीड में आ रहा है अगर मेरी गलती से कहीं टक्कर भी होगी ना तो फिर मैं हार जाऊँगा।
तो गाइस इसी के साथ दूसरी रेस भी कंप्लीट हो गई और ये भी बहुत ज़बरदस्त तस्वीर आई भाई साहब। और अब रह गई आखिरी रेस, तो उसके बाद भाई साहब मैं इसकी गाड़ी लेने की कोशिश करूँगा, तो देखता हूँ इसकी गाड़ी ले पाते नहीं। ओए होए भाई साहब अभी आई थोड़े खतरनाक वाले रोड पर, मतलब हाईवे पर आई है। चेकआउट करते हैं, आ जाओ इसको बताते हैं। ये परफेक्ट लॉन्च मारा आपके भाई ने, मुझे पीछे करने के चक्कर में हो रहा भी सही, उसने मेरे पीछे कर भी दिया। क्योंकि यार उसकी गाड़ी यार से ज़्यादा टॉप स्पीड की गाड़ी है, ओए होए अभी टक्कर लगती है, बचो लग गई। और ये मुझे लग रहा है भाई साहब ये रेस तकरीबन ज़्यादा हाईवे के ऊपर ही बनी हुई है। और चलो देखते हैं, अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा मुझे मुश्किल होगी खेलने में, क्योंकि उसकी टॉप सी बड़ी प्यारी है। ओए होए कितनी ज़बरदस्त ड्रिफ्ट लग रही है यार, ड्रिफ्ट के लिए गाड़ी बड़ी बेहतरीन है। ये डीके वाली कार से भी ज़्यादा अच्छी भाई साहब ड्रिफ्ट के लिए, जैसा क्योंकि मैंने चलाया मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है ना, तो इस वजह से। बाकी वो इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए मुझे इसकी ब्रेकिंग बहुत करनी पड़ेगी, तो इसमें मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल इसको कर लूँगा। और ही क्या होगा, अबे यार शॉर्टकट था मैं देखा नहीं कैसे, नहीं कोई बात नहीं अपन लोग आगे आ रहे हैं और दोबारा से पीछे भी मेरे ख्याल से आने वाले हैं। ओए ऐसा मुझे मालूम था कि वहीं से आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी वहीं पर मोड़ दी थी। इसके ऐसे थोड़ी बचत हो गई, वरना तो कब का गुस्सा आगे नहीं करता। ट्रैफिक मरवाता है ज़्यादातर, आप भले सही से चला भी रहे हो ना तो भी बंदे का ट्रैफिक आपको मरवाएगा। इसमें एक चैलेंज ये भी कि भाई बंदे को भी हराना और दूसरा चैलेंज ये ट्रैफिक को भी हराना। मैं दोबारा से खैर आगे आ गया हूँ, ये दोबारा से लिफ्ट लगी है बड़ी प्यारी। और जैसा कि मैंने कहा था कि दोबारा हम लोग हाईवे पर निकल गए हैं, पैसा थोड़ा बहुत मुझे मुश्किल होगा खेलने के लिए, क्योंकि अब देखते क्या सीन होता है। लेकिन अब वो जा रहा है रॉन्ग साइड पर, तो उसको थोड़ा बहुत परेशानी होगी ट्रैफिक की वजह से। मैं तो अपना सही से निकल गया नहीं रास्ते पर, बस मुझे इसको इसी रीड को बनाए रखना भाई साहब। मैं ड्रिफ्ट मारने की जगह सही नहीं है भाई, ड्रिफ्ट नहीं लगेगा। वो देखो आ गए वो रॉन्ग साइड पे चल के मुझसे आगे निकल गए, ये मुझे भाई साहब करना ज़रूरी, तो क्योंकि अगर मैं नहीं करता ना ऐसा तो मेरी हो जाती बहुत बुरी वाली टक्कर, क्योंकि मैं चाह नहीं आता। चलो खैर भाई साहब अब तुम लोग देख ही रहोगे कि यार हम लोग हाईवे से निकल के यहाँ पर आ गए हैं। भाई साहब कितने में नियर मिस मार, और तुम लोग देख रहे होगा मैं इतना डर डर के चला रहा हूँ, लेकिन क्योंकि यार क्योंकि रेस होने वाली ख़त्म, और मैं चाहते हैं कि लिहाजा मैं दोबारा से रेस ही करूँ, इस वजह से पहले थोड़ा बहुत देख दाख के करना पड़ता। चलो भाई साहब ये रेस भी होने वाली तकरीबन अपनी ख़त्म, तुम लोगों ने क्या सीन हुआ अभी, मुझसे आगे निकलने ही वाला था लेकिन टाइम वाली पावर कैसे भाई साहब अपन जीत गए। तो गाइस ये भी मतलब कि बड़ी आइकॉनिक तस्वीर आई है। तो गाइस इसी के साथ ये मतलब कि मैंने मतलब कि बुल को हरा दिया है, अब देखते कि उसकी कार में मतलब कि ले पाता हूँ या नहीं ले पाता हूँ। तो आओ चलो चेकआउट करते हैं, ये मैंने डिफीट कर दिया और अपने सामने भाई साहब रेजर बचा है जिसने अपनी BMW मतलब कि कब्ज़ा कर ली थी, जो कि भाई साहब टाइम आ ही गया फाइनली। लेकिन उससे पहले मैं इसकी कार लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी कार बहुत पावरफुल है यार, मतलब कि मुझे मतलब बहुत प्यारी लगी इसकी कार। तो आओ चलो मतलब कि पहले मैं हमेशा से मतलब दूसरे तीसरे लेता हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा से ये करूँगा, पहले मैं लूँगा दूसरा। जैसा कि तुम लोगों ने देखा यार मतलब दूसरे तीसरे के अंदर निकलती निकलती अक्सर, तो मुझे इसकी गाड़ी मिल गई मैकलारेन P1।
मस्ट मेकर्स में मैं सब में से कोई से भी चुन सकता हूँ। तो अब चलो पहला चुनते हैं, पहले भी देखते हैं क्या सीन है। चलो सही, ये भी सही है भाई साहब, क्योंकि अगर हमारी गाड़ी मतलब के पुलिस वालों के चक्कर में आ जाएगी ना, मतलब कि पुलिस वाले पकड़ लेते तो फ्री में हम लोग निकल सकते हैं, तो उसके लिए होता ही है ये। सही है, चलो अच्छी बात है। अब आ गया भाई साहब रेजर नंबर वन ब्लैक लिस्ट। तो इसने मेरी BMW ले ली, अब मैं इससे अपनी BMW वापस लूँगा। तो इसकी बायो ये आ गई और ये हरा दिया भाई साहब मैंने बुल को। अब बारी रेजर की। चल बेटा तेरे को मैं बताऊँगा, सबर कर। ये देखो मेरे भाई, ये BMW थी जो कि मैंने काफ़ी मॉडिफाई करके काफ़ी पूरी चेंज कर दी थी भाई साहब गाड़ी। लेकिन यार बड़ी मेहनत से मैंने चेंज कर दी, लेकिन इसने मतलब कि चुटकियों मुझसे गाड़ी ले ली। तो मुझे इसको हराना किसी भी कीमत। तो भाई साहब ये अपने दोस्त का मैसेज आ गया, रॉक का। चलिए अपनी बकवास कर रहा है, बोल रहा है मुझसे मतलब मेरी फीलिंग पूछ रहा है कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है। अरे मेरे ख्याल है थोड़ी देर बाद मियाँ का ही मैसेज आ जाएगा कि आता हूँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम जीत गए हो। बाकी यार अब एक काम ही करता हूँ कि तुम मैं डायरेक्ट घर पर निकलता हूँ ना, और उसकी गाड़ी थोड़ी बहुत देखता हूँ कि उसकी गाड़ी कैसी है यार। वैसे यार तुम लोगों को आज से गेम प्ले कैसा लगा, जो मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस की जो कार्स डाली हैं तुम लोग कैसी लगी? ये देखो सबसे पहले अपन ने ये वाली कार चलाई, फिर इसके बाद अपन ने DK वाली कार चलाई, और उसके बाद भाई साहब ये अपन ने मतलब RX 7 भी चलाई। ओए होए मैकलारेन P1 को फिलहाल डाल, और उसके बाद स्कायलाइन चलाई जो कि अपनी सबसे फेवरेट कार और काफ़ी पावरफुल कार है, जिसने अपन को जिताया है। और इसकी ड्रिफ्टिंग भाई साहब बड़ी ज़बरदस्त थी। बाकी ये अपनी आगे मैकलारेन P1, ओए होए यार कितनी ज़बरदस्त लग रही यार ये कार। ओए होए देख रहे हो आके यार, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मैकलारेन तो यार हल्की फुल्की थोड़ी ना होगी। P1 GTR है वो भी है। P1 के ना भाई साहब दो आती है, एक P1 आती है और एक P1 GTR। तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है, तुम लोग उसकी स्पीड देख सकते हो। तो यार अभी हमारे पास तकरीबन 11 कार्स बची हैं, मैंने फरारी बेच दी थी एक दूसरी वाली। तो अब मैं थोड़ी बहुत ऐसा ऐसा कम करूँगा, क्योंकि मुझे अगले मतलब के गेम प्ले के लिए थोड़ी बहुत और मतलब कार्स वगैरह चेंज करनी, और तुम लोग लिए सरप्राइज़ भी कि मतलब के अकेले मतलब के ब्लैकलिस्ट को हराने के लिए मतलब के रेजर को हराने के लिए कौन सा मतलब के कैरेक्टर आएगा। और तुम लोग ये बताना इस वीडियो का मतलब के बेस्ट पार्ट तुम लोग कैसा लगा, मतलब कि कौन सा तुम लोगों को लगा और क्या मतलब के होना चाहिए था, मतलब अगर कोई और चीज़ होनी चाहिए तो वो भी मुझे बताना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना, भाई को दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।